माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं चौथी प्राथमिकता पर जा रही हूं, सार्वजनिक पूंजी निवेश। पूंजी निवेश अपने प्रवर्धन प्रभाव के जरिए त्वरित एवं संघारीय आर्थिक पुनरुत्थान एवं समेकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पूंजी निवेश से रोजगार के अवसरों का सृजन करने में बड़े उद्योगों एवं एमएसएमई के से विनिर्मित निवेशियों के लिए बड़ी बढ़ी हुई मांग का उत्प्रेरण करने में मदद मिलती है और बेहतर कृषि और संरचना के माध्यम से इससे किसानों को भी मदद मिलती है। ने उच्च ग्रोथ के साथ महामारी के प्रभावों से बाहर निकलने की दृष्टि से अत्यंत सशक्त समुत्थानशीलता दर्शाई है। हालांकि हमें 2020-21 में आई गिरावट की भरपाई करने के लिए उस स्तर को बरकरार रखने की जरूरत है। जैसा कि पहले पैरा 5 में बताया गया है, निवेश के कारगर चक्र को निजी निवेश की ओर प्रेरित करने के लिए सरकारी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस स्तर पर निजी निवेशों के लिए यह जरूरी जान पड़ता है कि उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था की जरूरत को पूरा करने के लिए सहायता की जरूरत है। सार्वजनिक निवेश को आगे बढ़ाए बने रहने की जरूरत है और 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ाना भी जरूरी है। उपर्युक्त जरूरतों को देखते हुए एक बार फिर केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। अभी यह चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 35.4% की बढ़ोतरी करके 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह 2019-20 के व्यय से 2.2 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। 2022-23 में यह परिव्यय जीडीपी का 2.9% होगा। कारगर पूंजीगत व्यय। राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान के साथ साथ निवेश के चलते केंद्र सरकार का कारगर पूंजीगत व्यय 2022-23 में अनुमानतः 10.68 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, जो कि जीडीपी का लगभग 4.1% जीडीपी का होगा। ग्रीन बॉन्ड्स। 2022-23 में सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी बाजार उधारियों के सिलसिले में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे, जिनसे हरित और संरचना के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। इससे प्राप्त धन को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में सहायक हों। GIFT विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को GIFT शहरों में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित में अपने पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाएगी और केवल IFSCA द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर इन्हें घरेलू विनियमों से मुक्त रखा जाएगा। इससे सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के लिए उच्च स्तर के मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। GIFT शहरों में अंतर्राष्ट्रीय विवाचन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के अनुसार विवादों का समय पर समाधान किया जा सकेगा। देश में सतत एवं माहौल के अनुरूप वित्त पोषण के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक सेवाएं GIFT शहरों में दी जाएगी। डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम वाले डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को अवसंरचनाओं की हार्मोनाइज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इससे डिजिटल अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा भंडारण के लिए क्रेडिट सुलभ को
सुलभ हो सकेगा। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया था, जिससे स्टार्टअप और विकास के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस प्रकार के निवेश को बढ़ाने के लिए इनके विनियामकों और अन्य प्रकार की बाधाओं की समग्र रूप से जांच परख किए जाने की जरूरत है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो इस तरह की जांच परख करके उचित उपाय सुझाएगी।